So hello friends, welcome to my another informative videos. So आज हम बात करने वाले हैं द्वितीय हुगली ब्रिज के बारे में. So पहले जान लेते हैं इस ब्रिज का क्यों निर्माण किया गया था. सन 1947 में जब आज़ादी मिला था उसके बाद कलकत्ता एंड हावड़ा में बिजनेस के लिए बहुत लोग बढ़ने लगे. सन 1943 में स्टार्ट हुआ था हावड़ा ब्रिज, जो एकमात्र कनेक्टर था हुगली ब्रिज के ऊपर. सो नॉर्मली इस ब्रिज के ऊपर बहुत सारा गाड़ी एंड लोगों का भीड़ बढ़ने लगा. सो उस प्रेशर को कम करने के लिए बनाया गया था, और आसपास के जो नेशनल हाईवे है जैसे मुंबई दिल्ली एंड चेन्नई, इसको कनेक्ट करने के लिए 1972 के 20th मई उस टाइम में इंडिया का जो पीएम था इंदिरा गांधी, इस ब्रिज का निर्माण स्टार्ट किया था. सन 1979 जुलाई को स्टार्ट करके 20 साल लग गया इसे संपूर्ण होने में. 1992 का 10th अक्टूबर वेस्ट बंगाल का जो सीएम था ज्योति बसु, उनके टाइम में इंडिया का पीएम पीवी नरसिम्हा राव इस सेतु का ओपनिंग किया था. ये ब्रिज खास इसलिए है क्योंकि ये इंडिया का सेकेंड बिग केबल स्टे ब्रिज है और एशिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज में से एक है. तो इस ब्रिज को बनाने के लिए टोटल एक्सपेंसेस पड़ा था 388 करोड़, और इसमें 144 केबल है. 1992 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर सर का मृत्यु का 100 साल पूरा हुआ था, इसलिए इस ब्रिज का नाम रखा गया था विद्यासागर सेतु. इस ब्रिज में अप एंड डाउन बोथ साइड लेन है, एंड दोनों लेन के बगल में 4 फीट करके फुटपाथ है, लेकिन यहाँ पे पीपल पैदल चलना अलाउ नहीं है. और एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, इस टोल को क्रॉस करने के लिए टोल टैक्स भरना पड़ता है. बाइक में टोल नहीं लगता है, लेकिन बाकी सब गाड़ी के हिसाब से अलग अलग टोल प्राइस है. और ये ब्रिज को बनाया था ब्रेथवेट बन एंड जेसॉप नाम के 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के एक साथ ये ब्रिज बनाया था. और आज के डेट में इस ब्रिज के ऊपर से हर रोज 1 लाख से ऊपर कार क्रॉस करते हैं, व्हीकल्स क्रॉस करते हैं. और नवन्नों का ऑफिस होने के बाद ये ब्रिज और भी खासियत हो गया है, और एक कलकत्ता का एक शान है. सिर्फ कलकत्ता ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इंडिया का एक शान है. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में और एक कुछ नए स्टोरी के साथ.